हेलो दोस्तों क्या आपके पास जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है वो यदि लॉक हो चुका है आपका आप उसके पिन पैटर्न पासवर्ड को अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए जहां पे आप इस तरह के पिन पैटर्न पासवर्ड यदि आपका लगा हुआ है आपको मैं बिना कंप्यूटर का उसे अनलॉक करने का जो इजी और बेस्ट मेथड है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं जहां पे आपके हैंडसेट का एक भी डेटा लॉस्ट नहीं होगा आपके फोटोज वीडियोस डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन सारे आपके हैंडसेट में मौजूद रहेंगे और आप घर बैठे अपने हैंडसेट को बिना कंप्यूटर के अनलॉक कर पाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे पास तेरह साल से सर्विस सेंटर में काम करने का एक्सपीरियंस है और उसी नॉलेज के बेस पे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने हैंडसेट को बिना एनी कंप्यूटर एंड बिना एनी डेटा लॉसेस जैसे आपके फोटोज डॉक्यूमेंट आप सब उसे रिसेट uh, कर सकते हैं और अपने हैंडसेट को अनलॉक भी कर सकते हैं यदि आपका पासवर्ड इस तरह से लग गया है तो चलिए फ्रेंड्स आपको लेके चलते हैं अपने टेबल पे और मैं आपको वहां पर मोबाइल स्क्रीन पर बताऊंगा कि आप इसे किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं जैसा कि फ्रेंड्स आपने हमारे इस uh, जैसे इंटरव्यू में देखा था मैंने आपको बताया कि आप अपने स्मार्टफोन को किस तरह से अनलॉक करेंगे कुछ बातें जो आपको पहले जान लेनी चाहिए उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर्विस सेंटर में दोस्तों फोन को अनलॉक करने का दो ऑप्शन होता है पहला ऑफलाइन दूसरा ऑनलाइन तो यहां पे हम ऑनलाइन वाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो पहला है ऑफलाइन उसका इस्तेमाल करेंगे और दोस्तों ऑफलाइन के जो मेथड है उसमें हमें कंप्यूटर की आवश्यकता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए हमने ऑफलाइन को चूज किया क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफलाइन मोड uh, ही इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि सबके पास कंप्यूटर नहीं होता तो यहां पर हमें ऑफलाइन मोड में क्या क्या का, मतलब काम करना है चलिए वो यहां पर जानते हैं सबसे पहली बात आपको अपने स्मार्टफोन uh, को ऑफलाइन मोड में लेके जाना तो उसके लिए हमें यहां पे एक कोड का इस्तेमाल करना होगा और वो कोड आप यहां पर डालेंगे इमरजेंसी कॉल में आपको पहले इसे खोलना होगा इमरजेंसी कॉल्स ऑनली वाले ऑप्शन को और यहां पर दोस्तों आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं यहां पे आपको पहले डालना होगा ऑफलाइन मोड का कोड और वो कोड हर एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कॉमन होता है जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं डाल के और इसे ही आपको अपने स्मार्टफोन में इंटर करना है आप यहां पे देख रहे हैं हमने एक कोड डाला और इसे अपना स्मार्टफोन में आप एज इट इज आप इंटर कर लीजिए और इस नंबर पर आपको सेवन टाइम यहां पर डायल करना है तो जैसे आप यहां पर सेवन टाइम यहां पर डायल करेंगे आपको यहां पर दोस्तों कॉल फेल्ड का ऑप्शन मिलेगा इसे ओके okay कर देना है फोर फाइव सिक्स और आपको सेवन टाइम हमने यहां पे कर दिया अब दोस्तों आपको यहां पे करना क्या है आपको इन कोड को यहां से हटा देना है और अब यहां पे इस्तेमाल करना है मास्टर अनलॉकिंग कोड का जी हां मास्टर अनलॉकिंग कोड है वो कोड है स्टार हैज एट डबल नाइन और हैज जैसे हमने दोस्तों यहाँ पे ये यह कोड डाला आपके सामने स्मार्टफोन में इंजीनियर मोड नाम का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा अब हमें यहाँ पे दोस्तों अगला स्टेप जो लेना वो बहुत ही आपको ध्यान से देखना चाहिए वरना हो सकता है आप इस मैथड को सीख नहीं पाएंगे उसके दोस्तों आपको सबसे पहले जाना है सॉफ्टवेयर वर्जन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर फाइव पे ऑप्शन है इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है इसके बाद आपका जो एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे इलेवन दिखा रहा है यहाँ पे आपका यदि एंड्रॉयड टेन या उससे ऊपर का कोई भी है 10 है 11 है 12 है तो आपका स्मार्टफोन इस मेथड से अनलॉक होगा जिनका एंड्रॉयड वर्जन कम है वो हमें कमेंट करें हम उनको बताते हैं जैसा दोस्तों यहाँ पे इलेवन है आपको यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन को यहाँ पे सेवन टाइम यहाँ भी क्लिक करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब इसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है और नंबर फोर पर जो ऑप्शन है मेनअल टेस्ट इससे आपको क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तों आप पाएंगे कि आपके सामने एक नया पेज आ गया लेकिन आपको दू, जो दूसरा वाला पेज यहाँ चले आना है और यहाँ पर जो आप सबसे ऊपर में जो देख रहे हैं चेक स्मॉल बोर्ड मैचेस मेन बोर्ड इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा बोर्ड अ मैच पास्ट यहाँ आपको ये पास हो जाएगा अब यहाँ से आपको बैक होना है और उसके बाद आपको जो दूसरा ऑप्शन है फिंगरप्रिंट टेस्ट इसे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑटो टेस्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे फिर से पास आएगा यानी कि आपका जो फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है वो सही काम कर रहा है और वो यहाँ पर पास हो चुका है अब आपको फिर से बैक होना है दो बार और यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर आएगा एक ऑप्शन जिसका नाम है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन आपको इसे क्लिक करना है और यहां पर आपको दोनों को स्टार्ट करने के लिए दोनों को क्लिक करना है जो टेस्ट स्टार्ट हो चुका है जिसमें कि एक आपका मिनिमम पास होना चाहिए और देख रहे हैं यहाँ पे एक ही पास हुआ है दूसरा वाला फेल्ड है कोई बात नहीं एक पास है आपको तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है आप इसे बैक हो जाइए और उसके बाद आपको जो जायरोस्कोप है इसे आपको यहां पे क्लिक करना है इसे आपको फिर से क्लिक करेंगे तो यहां पे सेल्फ टेस्ट का जो ऑप्शन आएगा आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहां पे कुछ देर टेस्ट होगा उसके बाद आप यहां देख सकते हैं यहां भी पास आ चुका है दोस्तों अब हमारा जो मास्टर लॉकिंग मोड है उसका हम हमारा जो 80 परसेंट स्टेप हो चुका है अब हमें इसे फिर से दूसरे वाले ऑप्शन पर जाना है जहां पे आपका मीडिया डाइविंग का जो ऑप्शन है यहां पे आपको फिर से वापस आना है और यहां पे आपको जो है आ, देख सकते हैं यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन क्लिक नहीं करना है आपको अगले पेज पर पे जाना है जहाँ पर आप देख रहे हैं फिर से आपको नए नए ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हमें चले आना है अदर वाले ऑप्शन पर और यहीं पर आपका जो ट्वेंटी परसेंट ऑप्शन है जो काम बाकी वो यहां पे करेंगे पहला जो दोस्तों आपको जो दूसरा ऑप्शन यहां पे दिख रहा है रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट आपको इसे क्लिक करना है और यहां पे हमें कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा हमें इसे कंफर्म कर देना है इसका दोस्तों आपका यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड का जो ऑप्शन है वो यहां पर दिखा देगा मतलब आपका जो प्रॉब्लम था वो यहां पर रॉन्ग पासवर्ड का है अब उसे यहाँ पे आपको हटाना है तो इसे हटाने के लिए दोस्तों आपको डेटा बेस वर्धन जो है यहाँ पे देख रहे हैं इस पर भी आपको सेवन टाइम क्लिक करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब दोस्तों आपको यहाँ पे बस लास्ट का स्टेप लेना और आपका जो स्मार्टफोन है वो अनलॉक हो जाएगा वो लास्ट का स्टेप है नंबर थ्री पे दिए गए की स्टेटस को एक बार सिलेक्ट करना और दोस्तों आप देख सकते हैं आपके जितने भी की हैं वो सारे यहाँ पे पास हो चुके हैं इवन कि आपका जो गूगल का किए वो भी यहाँ पे पास दिखा रहा है मतलब अब आपका जो पिन पैटर्न पासवर्ड फिंगरप्रिंट और फेस लॉक है वो यहां पे रीसेट हो चुका है अब हमें यहां पे कुछ नहीं करना बस इसके जो फोन है इससे हम यहां पे बैक बैक करते जाएंगे और दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसे यहां पे बैक करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि आपका जो है हैंडसेट है वो अनलॉक हो चुका है यदि आपका स्मार्टफोन अभी भी अनलॉक नहीं हुआ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें और यदि फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि हमारी टीम के द्वारा आपको वीडियो कॉल करके

वो जो मेथड है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो इस वीडियो को दोस्तों आपको पूरा देखना है जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा कि आप अपने हैंडसेट को किस तरह से अनलॉक मतलब कर सकते हैं वो भी कुछ ही मिनटों में और आप इस वीडियो में जो मैं आपको आप, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको किस नॉलेज के बेस में बता रहा हूं तो मैं आपको जो हमारे नए मतलब सब्सक्राइबर है उनके लिए मैं बता दूं कि हम अपने तेरह साल के सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने स्मार्टफोन को बिना कंप्यूटर के किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं वो भी घर बैठे हुए तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से अपने हैंडसेट को अनलॉक करेंगे तो चलिए आपको लेके चलता हूं अपने टेबल पे और आपको आ, डिस्प्ले में दिखाता हूं कि आप किस तरह से इसे अनलॉक करेंगे तो आ, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं हमारा हमारा जो मोबाइल है ये यही मोबाइल को हम यहां पे अनलॉक करेंगे क्योंकि हमारे ये कस्टमर का है और यहां पे भी पिन पैटर्न पासवर्ड लग गया है अब इसे हमें यहां पे कैसे डालना है याद रखिएगा दो तीन टाइप से आपके हैंडसेट को अनलॉक किया जाता है हम यहाँ पे मिराकल बॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे हम बिना कंप्यूटर का आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए ध्यान से देखिए तभी आप समझ सकते हैं हम यहाँ पे ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल करेंगे और ऑफलाइन मोड में दोस्तों आप जानते हैं बहुत सारे क्रम लगाने पड़ते हैं तो इसके लिए यहां पे आपको सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना है आपको यहां पे देख रहे हैं इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ दिख रहा है इसे आपको यहां पे सेलेक्ट करना है आपके सामने इमरजेंसी कॉल ऑनली का जो पेज जो पेज है वो एपियर हो जाएगा अब आपको यहां पर दोस्तों एक कोड मैं बता रहा हूं उसे आप यहां पर डायल कर लो ये कोई जादुई कोड नहीं है ये आपके आ, ऑफलाइन मोड का कोड है और इस कोड पे दोस्तों आपको यहाँ पे थ्री टाइम कॉल करना है जैसे आप कॉल करेंगे आपको एक ओके का मैसेज देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस पर आपको कंटिन्यूअल तीन बार कर देना है अब आपका जो फ्रेंड जो है स्मार्टफोन है वो ऑफलाइन मोड में चला गया आपके बैकग्राउंड में जितने भी अप्लीकेशन चल रहे थे वो सारे यहाँ पर बंद हो गए हैं और जिनका बंद होना भी बहुत जरूरी था तभी आपका हैंडसेट अनलॉक होगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस कोड को यहाँ से सबको हटा देना है अब यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है मास्टर अनलॉकिंग मोड का जी हाँ जिसे हम यहाँ पे जो कोड है उसे डाल के एक्टिवेट करेंगे स्टार हैज एट डबल नाइन और हैच जैसे ही हम यहाँ पे हैच क्लिक करते हैं आपके सामने इंजीनियर मोड ओपन हो जाएगा अब आप दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं लेकिन आपको यहाँ पे इसे क्लिक करना है सॉफ्टवेयर जो वर्जन है यहाँ नंबर फाइव पे इसे आपको जैसे आप इसे ओपन करेंगे एंड्रॉइड वर्जन जो आप देख रहे हैं इसे आप यहाँ पे सेवन टाइम क्लिक करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आपका एंड्रॉइड वर्जन टेन या टेन से ऊपर होना चाहिए तभी आपका यह मैथड काम करेगा तो फिर दोस्तों आपको अगला जो यहाँ स्टेप लेना आपको कुछ नहीं करना बस आपको इसे बैक होना है और नंबर फोर पर जो ऑप्शन देख रहे हैं मेनुअल टेस्ट इसे आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे लेकिन आपको चले जाना है नंबर दो वाले ऑप्शन पर जिसका नाम है डिवाइस डबिंग अब यहां पे जो पहला ऑप्शन है चेक स्मॉल बोर्ड मैचेस मेन बोर्ड इसे आपको यहां पे सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपको एक बोर्ड मैच पास्ट का आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा इसे आपको पास होना बहुत जरूरी है आपका फेल दिखा रहा है इसका मतलब आपको जो मेथड आपने अप्लाई किया है वो उसमें कुछ आपसे गलती हुई है इसलिए आप उसे दोबारा से करें आपका यहाँ पे पास दिखा देगा तभी आप आगे यहाँ से जा सकते हैं अब आपको यहाँ पे बैक होना है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो टेस्ट है इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और या जो ऊपर में जो ऑटो टेस्ट है इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है अभी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पास है इसका मतलब है कि आपका जो फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है वो सही काम कर रहा है आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है अब आपको इस यहाँ पे फिर से बैक होना है और आपको चले जाना है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन पे जब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन देखेंगे देखने को मिलेंगे इससे ऑपरेशन को आपको स्टार्ट करना है जैसे आप दोनों को क्लिक करेंगे आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें आपका एक का पास होना बहुत जरूरी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला वाला ही पास हो गया है दू, दूसरा वाला फेल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है अब आपको यहाँ पर फिर से बै, आ, बैक होना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जायरोस्कोप दिखेगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सिर्फ टेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर कुछ देर टेस्टिंग होगा यहाँ पर आपको पास लिखा हुआ आ जाएगा अब आपको यहाँ पर फिर से बैक होना है और आपको सबसे लास्ट वाले जो अदर का ऑप्शन है वहां पे चले जाना है और दोस्तों आप देख सकते हैं आपका अदर वाला पेज आ गया है अब यहां पे आपको दो काम करना है मतलब ऐसे तो तीन काम करना है पहला काम आपको जो नंबर दो पे है रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट इसे आपको सेलेक्ट करना है और इसे आपको कंफर्म कर देना होगा जैसे आप यहां पर कंफर्म करेंगे आपको यहां पर रॉन्ग पासवर्ड लिखा हुआ है मतलब कि इस हैंडसेट में जो प्रॉब्लम है अभी वो अभी इसमें रॉन्ग पासवर्ड का ही है वो यहां से मालूम हो जाता है और यहां जो जो डेटाबेस बेस्ट वर्जन आप नंबर फोर पर देख रहे हैं इसे आपको इसके बाद इलेवन टाइम

यहां पे बैक बैक करूंगा होम स्क्रीन क्लिक करके और फ्रेंड आप देख सकते हैं आपके जितने भी स्मार्टफोन के लॉक्स थे वो यहां पे रिसेट हो चुके हैं आपका कोई डेटा दे, भी लॉस्ट नहीं है इसका मतलब ये मैथड बहुत जबरदस्त है और आपको एक बार ट्राई करना चाहिए यदि आप दोस्तों चाहते हैं कि इतना करने के बाद भी आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं हुआ आपको समझ में नहीं आया आप उस केस में हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे हम आपसे मिनिमम चार्जेस पे आपके हैंडसेट को अनलॉक करते हैं और वो भी दो से तीन मिनटों में वीडियो कॉल के माध्यम से जैसे ही आप हमें हमें ज्वाइन करेंगे हमारी टीम आपको दो मिनट के अंदर वीडियो कॉल करेगी और आपके हैंडसेट को अनलॉक करने में आपकी पूरी सहायता करेगी नहीं होने पर पैसे वापस होते हैं